स यू हर्ड दैट वाइट फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर्स या दो वीडियोज की बात नहीं कर रहा हूँ कम्पलीट कोर सेट की बात कर रहा हूँ कम्पलीट कोर सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल यू टू डू इज कम ऑन लर्न फ्राम आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करने वाले हैं डिलीटिंग डेटा तो डीएमएल कमांड से कवर करने वाले हैं और आज हम देख रहे हैं डिलीटिंग डेटा की कि किस तरीके से हम डेटा डिलीट कर सकते हैं ठीक है ठेके? किस तरीके से हम डेटा डिलीट कर सकते हैं वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं ठीक है तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं देखते हैं कि किस तरीके से डेटा डिलीट कर सकते हैं तो जैसे आप लोगों को हम सीख रहे हैं हाउ टू डिलीट डेटा से कैसे हम डेटा डिलीशन का, का काम कर सकते हैं ठीक तो है फटाफट शुरुआत करते हैं सो डीएमएल कमांड्स डिलीटिंग डेटा वाइल्ड वर्किंग टेबल्स वी मे रीच एट सिचुएशन वेयर वी नो लॉन्गर नीड सम रोज ऑफ डेटा इन सच केसेज वी वुड लाइक टू रिमूव सच रोज देखो सिंपल सी बात है कहानी क्या होगी जैसे सपोज आपने ये टेबल बनाई ये दो कॉलम्स या तीन कॉलम बनाए सपोज कॉल वन कॉल टू कॉल थ्री तीन कॉलम बनाए अब क्या है इसके अंदर एक रो एग्जिस्ट करती है सपोज वन ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना टू थ्री फोर अब क्या हो सकता है यार बहुत बार आपको जरूरत पड़ सकती है कि आप इसमें से ये पर्टिकुलर रो डिलीट मार दो पर्टिकुलर ये रो डिलीट मार दो तो अगर सपोज कभी आपको ऐसी सिचुएशन पड़ती है कि रोज डिलीट मारनी है तो ये रो डिलीट करने के लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हो जो मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ सो दिस कैन बी डन बाई यूजिंग द डिलीट कमांड तो डिलीट कमांड का आपको यूज करना पड़ेगा टू डिलीट डेटा या रोज फ्रॉम अ टेबल डिलीट कमांड रिमूव रोज फ्राम अ टेबल दिस रिमूव द एंटायर रो नॉट इंडिव्यूजल फील्ड वैल्यूज सो नो फील्ड आर्ग्यूमेंट इज नीडेड और एक्सेप्टेड यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है ध्यान रखने के लिए कि डिलीट कमांड क्या करने वाला है रिमूव करने वाला है रोज फ्रॉम अ टेबल ठीक है तो ये पूरी रो डिलीट कर देगा दिस रिमूव द एंटायर रो क्या करता है ये पूरी रो डिलीट मार है एंटायर रो नॉट इंडिविजुअल फील्ड वैल्यूज ये इंडिविजुअल फील्ड वैल्यूज नहीं है मतलब ये पूरी रो वन ए बी पूरी रो है ना तो ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी होगी पूरी रो डिलीट हो जाएगी ऐसा नहीं कि मुझे वन डिलीट करना है तो सिर्फ वन डिलीट हो जाएगा बी करना है तो बी हो जाएगा ए हो करना है तो ए करना होगा नहीं पूरी रो डिलीट हो जाती है इस डिलीट कमांड से नॉट इंडिविजुअल फील्ड वैल्यूज सो नो फील्ड आर्ग्यूमेंट इज नीडेड और एक्सेप्टेड तो इसीलिए यहां पे कोई फील्ड आर्ग्यूमेंट या वैल्यू की जरूरत है ही नहीं क्योंकि वो डिलीट ही नहीं कर सकता करना है डिलीट तो पूरा टेबल ही डिलीट मारिए या पूरा रो ही डिलीट मारिए बस वही ऑप्शन आपके पास ठीक है आप क्या कर सकते हो आप पर्टिकुलर फील्ड डिलीट नहीं कर सकते क्रोम में से ठीक है द सिंटेक्स टू डिलीट डेटा या कॉलम इज एज फॉलोस तो एक कॉलम में से डेटा डिलीट करने का सिंटेक्स कुछ ये है क्या लिखना है आपको डिलीट फ्रॉम तो आपको लिखना है डिलीट फ्रॉम तो डिलीट करना है किसी में से तो डिलीट फ्रॉम

उसके लिए यूज तो कर लिया बट अगर आपने ये वेयर क्लॉज भूल गए वेयर क्लॉज नहीं डाला तो भी चल जाएगा और करेगा क्या पूरा एंटायर डेटा जो पूरी रोज है सारी डिलीट हो जाएगी मतलब अगर आपने ये वेयर क्लॉज नहीं लिखा सिर्फ लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम तो पूरी एंटायर टेबल में से जो भी डेटा है वो सब डिलीट हो जाएगा कुछ भी नहीं पूछेगा ठीक है अब ये बेसिकली करना कैसे कैसे कर सकते हैं हम कैसे करेंगे तो ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे ठीक है तो फटाफट चलिए मेरे साथ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरीके से आप डेटा डिलीट कर सकते हो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में से ठीक है चलिए ओके गाइस सो अब गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं देखने वाले हैं हाउ टू डिलीट डेटा फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेबल तो हमने एक टेबल में डेटा इंसर्ट करना सीख लिया एक टेबल में डेटा मॉडिफाई करना सीख लिया अब हम सीखने वाले हैं एक टेबल से डेटा को डिलीट करना नहीं चाहिए हमें डेटा डिलीट कर दीजिए कैसे करेंगे देखेंगे चलेगे सबसे पहले सर्विसेज पे सर्विसेज पे चलेंगे सर्विसेज ओपन कर लेंगे यहाँ सर्च करेंगे माई सीक्वल माई सीक्वल मिल गया इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा ठीक है और ये मेरा खुल गया मैं सर्च करूंगा वर्क बेंच पर चलूंगा वर्क बेंच ओपन कर लिया मैंने ठीक है लोकल इंस्टेंस कनेक्ट करूँगा यहाँ पे डाल दूंगा पासवर्ड पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर लिया मैंने ये मेरा ओपन हो गया ठीक है अब यहीं पे हम देखने ओके okay, सॉरी मैंने गलती से क्लोज कर दिया ठीक है यहीं पे हम देखने वाले हैं अपना क्या अपना डिलीट फंक्शन अब बेसिकली सीन ये है देखो है, टेबल मेरे पास सपोज मेरे पास ये ऑलरेडी है डेटा बेस जिसमें डेटा है टेबल है उसमें वैल्यूज़ है तो मैं इसी का यूज़ कर लूँगा इससे पहले मॉडिफिकेशन के लिए बनाई थी तो मैं कर दूंगा यूज़ मैग्नेट अंडरस्कोर ब्रेंस ठीक है यूज मैग्नेट ब्रेंस यूज कर लिया मैंने अब बेसिकली अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो फिलहाल ये ओपन है टेबल वन पे चलूंगा तो देखो टेबल वन में क्या है मेरे पास बहुत सारा डेटा है अब इसमें से मुझे सपोज कोई भी डेटा डिलीट करना है जैसे मुझे डिलीट करना है ये रो तो क्या मैं डिलीट कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ भाई बिल्कुल कर सकता हूँ बिल्कुल पॉसिबल सिंपल सा कमांड आपको डालना है विच इज डिलीट फ्रॉम स्पेस टेबल का नाम टेबल नेम और फिर नेक्स्ट आपको डालना है वेयर क्लॉस ऑल दो इंपॉर्टेंट नहीं है आप डाले ठीक है वेयर और फिर कंडीशन जरूरी नहीं है आप ये वेयर क्लॉस डालें बट इट इज ऑलवेज सजेस्टेड डालें नहीं तो पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा वो भी लास्ट में दिखाऊंगा पहले कुछ डिलीशन करके दिखा दो तो मैं क्या करूंगा डिलीट फ्रॉम टेबल कौन सी है टीबी वन है ना सो डिलीट फ्रॉम टेबल वन वेयर अब यहाँ आपको क्या करना है आपको रो सेलेक्ट करनी है अब देखो जैसे मैंने आपको बताया डिलीशन में ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर रो के किसी एक पर्टिकुलर कॉल पार्ट को डिलीट कर सको दैट इज नॉट पॉसिबल आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ठीक है आप नल डाल सकते हो उसको दैट इज अलाउड बट डिलीशन एक सिंपल सिंगल फील्ड नहीं कर सकते एक रो की आपको पूरा रो डिलीट करना पड़ेगा तो अब आपको एक्चुअली में क्या लिखना है वेयर क्लॉज में वो कंडीशन लिखनी है जिससे कि आपकी वो इंडिविजुअल रो या यूनिक एक सिंगल नहीं जितनी भी जो भी रो आपको डिलीट करनी है वो सिलेक्ट हो सके जैसे कि मैं कहूं मुझे यहां पे सिलेक्ट करनी है ये वाली रो अब इसमें मैं बहुत सारी कंडीशन डाल सकता हूँ जो भी मुझे पता है मैं डाल सकता हूँ कॉलम वन थर्टी थ्री हो कॉलम टू सी हो कॉलम थ्री नल हो कुछ भी डाल सकता हूँ दैट वुड बी वैलिड तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा जहाँ पे कॉल वन इज इक्वल्स टू थर्टी थ्री हो ठीक है तो जहां पे कॉलम 333 है सॉरी कॉलम 133 है उस टेबल में से डिलीट कर दो रोको सो डिलीट फ्रॉम टेबल वन वेयर कॉलम वन इज इक्वल टू थर्टी थ्री तो मैंने क्या कहा मैंने कहा मुझे पूरी रो मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया मुझे रो डिलीट करनी है बिकॉज दैट इज अंडरस्टूड मुझे टेबल रो रो डिलीट करनी है तो मुझे रो डिलीट करके दे दो बट कौन सी रो उसका मैंने हिंट दे दिया जिसका कॉलम वन थर्टी थ्री है अब जैसे मैंने अगर इसको एग्जीक्यूट किया देन सी वट विल हैपन तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है परफेक्टली डिलीट हो चुका है अब जब मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाऊंगा तो सी वट है पे थ्री नहीं है कितने होगा एक दो तीन चार पांच और यहाँ कितने थे एक दो तीन चार पांच छः बीच में से थर्टी थ्री सी नल जाया जा चुका है टू के बाद तो टू के बाद जो थर्टी थ्री सी नल था वो गायब हो चुका डिलीट हो चुका है क्योंकि आप डिलीट कर चुके समझ में आया अब इस तरीके से आपको जो कंडीशन जैसे भी मिक्स करनी है वेयर क्लास में वो आप मिक्स कर सकते हो मल्टीपल रोज कर सकते हो मल्टीपल रोज डिलीट करना सिखा देता हूं सपोज मैं क्या कर सकता, हूं? मैं कर सकता हूं कि यार मुझे वो डिलीट कर दो जो यहां पे फोर्टी से सिक्सटी तक के बीच में है, है ना फोर्टी से सिक्सटी तो मैं वो डिलीट कर देता हूं तो मैं लिख सकता हूं डिलीट फ्रॉम टी बी वन वेयर कॉल वन या बहुत ज्यादा हो जाएगा डिलीट एक काम करता हूँ दो ही करता हूँ फिफ्टी से सिक्सटी करता हूँ सपोज डिलीट से ठीक है वेयर कॉल वन इज बिटवीन फिफ्टी एंड सिक्सटी तो अब मेरी एक इंडिविजुअल सॉरी दो सेलेक्ट हो गई फिफ्टी सिक्सटी के बीच में ये दो हैं अब इनको डिलीट करना है तो ये डिलीट हो जाएंगे टेबल वन से जैसे कि रन करिए तो देखिए रन हो गया परफेक्टली अब अगर मैं इसको बंद कर दूं और इस टेबल को ओपन करूं, तो सी व्हाट हैपेंड मेरी लास्ट की दोनों रोज़ जा चुकी हैं दो रोज़ जा चुकी हैं क्योंकि दोनों रोज़ का कंडीशन आपने डाला कि कॉलम वन फिफ्टी सिक्सटी होना चाहिए तो वो डेट हो चुका है अब यहाँ पे फिलहाल क्या है आपके यहाँ पे फिलहाल तीन रोज़ बची हुई हैं

फ्रॉम टी बी वन बस अब मैंने ये नहीं लिखा है कि मुझे किस में से डिलीट करना है या किस रो को डिलीट करना है तो ये क्या करेगा भाई ये मेरा पूरा डिलीट कर देगा क्या ये मेरा पूरा डेटा डिलीट कर देगा इसको रिफ्रेश करूंगा मैं टेबल वन को जब मैं ओपन करूंगा देन सी व्हाट हैपेंड पूरा डेटा डिलीट हो चुका है स्कीमा भी, भी एग्जिस्ट कर रहा है कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री एग्जिस्ट करता है बट डेटा पूरा डिलीट हो चुका है इसमें मैं नया डेटा इंसर्ट ज़रूर कर सकता हूँ मैं कर नह सकता हूँ इंसर्ट इन टू टी बी वन ठीक है वैल्यूज वन कॉम ए कॉम ए ए ए मैं इंसर्शन जरूर कर सकता हूँ इंसर्ट करूंगा अभी इसमें इंसर्शन हो गया परफेक्टली इसको रिफ्रेश करके रन करूंगा तो इंसर्शन का, का काम हो चुका है बट जैसे ही आपने डिलीट रन किया एक हो दो हो तीन हो दस हो कितने भी हो, जैसे ही आपने डिलीट फ्रॉम टी बी वन डिलीट किया या टी बी वन लिखा डिलीट फ्रॉम टी बी वन तो ये क्या करेगा पूरा डेटा जो भी है सब डिलीट कर देगा जो भी आपके टेबल में एग्जिस्ट करता है सब डिलीट कर देगा टी बी वन ओपन करते हैं सारा डेटा डिलीटेड है सिर्फ तीन कॉलम बचे में कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री दैट सेट आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप डिलीशन का काम कर सकते हो तो इस तरीके से कभी भी अगर आपको कोई भी डेटा डिलीट करना है टेबल में से तो वो आप डिलीट कर सकते हो

Deleting data, from a table, deleting data from a table. इसको बंद कर देंगे इसको भी बंद कर लेंगे क्लोज है ना और यहाँ पे चलेंगे सर्विसेज में यहाँ सर्च करेंगे MySQL और इसको भी क्लोज कर देंगे क्लोज हो गया बंद हो गया ठीक है तो ये आपका हो गया है डिलीटिंग डेटा अ टेबल आई होप ये क्लियर हो गया होगा ऑल दो ये वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुई है चलते अपने स्लाइड्स पर वीडियो करते कम ठीक है चलिए ओके गाइस सो आई होप आपको थेरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप डेटा रीड कर सकते हैं पर्टिकुलर टेबल में से तो डीएमएल के हमारे काफी सारे कमांड्स हम देख चुके हैं हम इंसर्शन देख चुके हैं हम मॉडिफिकेशन देख चुके हैं और डिलीटिंग अब कंप्लीट हो चुका है अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रंकेटेड किस तरीके से हम ट्रंकेट कर सकते हैं डेटा को तो ट्रंकेशन वाला या ट्रंकेटिंग करना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बट अभी इस वीडियो में हमने डिलीशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया जो आई होप आपको कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा कोई डाउट नहीं बचा होगा ठीक है बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ट्रंकेट सिखाऊंगा अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट हुई माइनप्रेस डॉट कॉम तो गूगल पराइप करें माइगर ब्रेस डॉट कॉम पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ कर जाओगे दिस इज अर होम पेज यहां पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको क्या करना है इसमें से सीबीएसई कंडर गार्डन टू ट्वेल्थ सेलेक्ट करना है इंग्लिश मीडियम यहाँ पे आपके सारे स्कूल खुल जाएंगे सॉरी क्लास खुल जाएंगे आपको सेलेक्ट करना है क्लास ट्वेल्थ तो क्लास ट्वेल्थ के सारे कोर्सेस खुल जाएंगे जो मांग्रेन आपको ऑफर करता है यूनिट स्क्रॉल डाउन सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस क्लिक ऑन वॉच नाउ तो कंप्यूटर साइंस क्या होंगी सारी वीडियो खुल जाएंगे चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर पर

ठीक है और इवन आपको यहाँ पे IIT JEE भी मिल जाएगा नीट भी मिल जाएगा और ये सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट येस यू हर्ट दैट राइट फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर से दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल यू नी टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोज राइट right. और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत तो अच्छी लग रही है कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियोज अच्छी लग रही है प्लेज पसंद आ रही है अगर आपको लगता है कि आप रोज़ उनसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से सो तो हमारे साथ यानी कि मार्केट बेस का जुड़े रहिए बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किड गार्डन से क्लास ट्वेल्थ तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ है, आप हैं वी right. एक्सपेक्ट आप भी हमारे इसी तरीके से बने रहेंगे राइट मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच